सावन में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये तीजड़ी माता का व्रत है और सारी सुहागनें, बहनें, बेटियां ये व्रत रखती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उन धन धान्य की वृद्धि के लिए तीजड़ी माता का व्रत रखा जाता है। अखंड सुहाग व सौभाग्य की कामना के लिए विवाहिताओं ने रखा सातुड़ी तीज का निर्जला व्रत। 16 श्रृंगार कर रखा निर्जला व्रत, पूजा अर्चना कर चांद को अर्घ देकर खोला व्रत। अखंड सुहाग व सौभाग्य की मंगल कामना के साथ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का पर्व विवाहिताओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखे, हाथों में मेहंदी रचवाई और 16 श्रृंगार कर तीज माता की कहानी सुनी और मंगल गीत गाए। विवाहिताओं ने बताया कि पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए रात को चंद्र भगवान को अर्घ देने के पश्चात ही व्रत को खोला जाता है। पीपलेश्वर महादेव मंदिर में सीमा शर्मा और पंडित राजू शर्मा के सानिध्य में सिंधी समाज की महिलाओं ने तीजरी पूजा में सुहागिनों ने अपने पति, भाइयों, बेटों के लंबी उम्र व देश में खुशहाली की कामना की। सुबह तीज माता का हिंडोला पूजन किया गया, उसके बाद निर्जला व्रत रखकर तीज माता की पूजा की गई। संध्या काल में कथा सुनकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का समापन किया गया। सावन में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये तीजड़ी माता का व्रत है और सारी सुहागनें, बहनें, बेटियां ये व्रत रखती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उन धन धान्य की वृद्धि के लिए तीजड़ी माता का व्रत रखा जाता है। और सब मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करती है, सुहागने बिल्कुल सच तज के 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और सुबह से मन में प्रसन्नता रहती है। और निर्जल व्रत रखा जाता है, जल नहीं पिया जाता इस दिन।